वास्तुशास्त्र कहता है शेप रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर के साथ साथ ऑस्पिशियस भी होनी चाहिए। नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ शेरमुखी वर्सेस गौमुखी प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की। वास्तुशास्त्र में एक टर्म मिलती है शेरमुखी प्लॉट और गौमुखी प्लॉट या कंस्ट्रक्शन, और इसके बारे में जो ज़्यादातर प्रचलित शेप है वो है तबले जैसी, या ये कहिए ट्रेपीजॉइडल। ट्रेपीजॉइडल शेप में एक साइड, जिस तरह के आप देख रहे हैं, एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, उसके अपोजिट साइड छोटी है। दोनों लाइनें ये पैरेलल हैं, दोनों साइड पैरेलल हैं और दो स्लांटिंग साइड हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि अगर बड़ी वाली साइड से एंटर करेंगे, फ्रंट में अगर बड़ी साइड पड़ती है तो वो हुआ शेरमुखा प्लॉट, और अगर छोटी वाली साइड से एंटर करते हैं तो वो हुआ गौमुखा प्लॉट। क्योंकि गाय का मुंह छोटा होता है और पेट बड़ा, और शेर का सामने चेहरा दिखता है बड़ा और उसका पेट नहीं दिखाई देता। तो ज़्यादातर मान्यता ये है, ओके, जबकि ये गलत अवधारणा है। क्यों, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि ये शेप ही गलत है। वास्तुशास्त्र कहता है शेप रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर के साथ साथ ऑस्पिशियस भी होनी चाहिए। मीन्स शेप या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, जिसमें दोनों डायगोनल बराबर हों, ओके, तो दोनों साइड्स आमने सामने वाली साइड पैरेलल हों, ओके, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं और आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर हैं और उसके दोनों डायगोनल बराबर होंगे। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ रियल में इसका मतलब क्या है। गौमुखी प्लॉट और शेरमुखी प्लॉट का या कंस्ट्रक्शन का रियल में मतलब क्या है। पहली बात तो आप ये देखिए, DDA हो दिल्ली में, या DSIDC हो, या हुडा हो हरियाणा में, या कोई भी डेवलपमेंट एजेंसी होगी किसी भी स्टेट में, या कोई डेवलपर होगा, बिल्डर होगा, कोई भी जब प्लॉटिंग करता है इस टाइप की प्लॉटिंग नहीं करने वाला। प्लॉट हमेशा जनरली रेगुलर साइज के ही होते हैं, रेगुलर शेप के होते हैं, कभी भी इस तरह का प्लॉटिंग नहीं की जाती ये तबला जैसी शेप के प्लॉट काटे जाएंगे, कभी नहीं ऐसे होता। तो दिल्ली में लाखों दुकानें हैं, शोरूम हैं, तो कैसे चल रहे हैं वो, तो वो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो क्या ये, एक एज्यूम करिए 4x7 का एक प्लॉट है, 4x7, 4 उसकी चौड़ाई है और 7 उसकी लंबाई, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 4x7 का, ठीक है। अब ये रेगुलर शेप हो गई, रेक्टेंगुलर शेप हो गई आयताकार। अब इसमें अगर आप 7 वाली साइड से ए साइड कह लीजिए या बी साइड जो सामने दिखा रखी आपको, तो ए साइड या बी साइड जो 7 वाली साइड है इससे एंटर करते हैं, फ्रंट में खड़े होते हैं इसके, तो ये हुआ शेरमुखा। पहली बात तो ये शेप रेगुलर है, दूसरा अब आपका फ्रंट बड़ा हो गया और डेप्थ कम हो गई, गहराई कितनी हुई 4, फ्रंट कितना हुआ 7, फ्रंट बड़ा है गहराई कम है, तो ये बेसिकली दुकानों के लिए बढ़िया है, बिजनेस के लिए बढ़िया है। बिजनेस के लिए, दुकान के लिए टर्म होती है ना शोरूम। शोरूम मतलब हर चीज डिस्प्ले पर है, दिखाई जा रही है। बिजनेस में कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो जब वो दिख रही है चीज़ तो बिकेगी। आजकल आप समझ सकते हो कोरोना के समय में अंदर जाना मना कर दिया गया है, जो आपको एक ट्रॉली दे दी जाती थी कि जाइए सामान ले आइए अंदर से, अंदर जाना बंद। तो क्या करें, बाहर से जो दिख रहा है, अब बहुत गहराई अगर होगी, सामान अंदर बहुत गहरे में डिस्प्ले कर रखा होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, आम आदमी को वो नहीं दिखने वाला। तो बाहर चीज़ें दिखें, तो इसलिए चौड़ाई ज़्यादा गहराई कम, तो ये है शेरमुखा। बाद में थोड़ा इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा। अब आइए गौमुखा। गौमुखा का मतलब है अगर आप 4 वाली साइड से एंटर करते हैं इसी प्लॉट में, 4x7 प्लॉट में 4 वाली साइड से, या तो सी साइड या डी साइड, इनसे आप जब प्रवेश करते हैं तो ये हुआ गौमुखा। मतलब फ्रंट छोटा है 4 और डेप्थ कितनी है 7, डेप्थ ज़्यादा है गहराई ज़्यादा है। घर में कुछ डिस्प्ले नहीं करना होता, घर में आपको चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। आप नहीं चाहते अंदर की बातें किसी को पता चले, कुछ दिखे,
कोई घर की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता अपने की, लेकिन बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट आपको पता ना चौराहों पर की जाती है। जितना ज़्यादा बिजी चौराहा होगा वहाँ पर साइन बोर्ड लगाना उतना ही महंगा। तो घर अलग चीज़ है, घर का मतलब है कि आपका प्रवेश द्वार वो कम चाहिए आपको, मैक्सिमम 4 फुट घर का जनरली जनरल कंडीशन में 4 फुट का दरवाज़ा, मेन कंस्ट्रक्शन का कह रहा हूँ मैं, बाउंड्री गेट नहीं बता रहा। तो मेन कंस्ट्रक्शन का अब इसमें 4 जो साइज है, 4 से आप एंटर करेंगे, गहराई आपको 7 मिल रही है, मतलब आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है। बिजनेस में वो नहीं चाहिए, घर में हम हरेक को अलाउ नहीं करते, घर में हम उसी को अलाउ करते हैं जो हमारे दिल के करीब है, रिश्ते के लोग हैं, बहुत गहरे यार दोस्त हैं, उसी को घर में अलाउ करते हैं। बिजनेस में एवरीवन इज वेलकम, कोई भी आए सामान ले जाए, खरीद के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो। तो बिजनेस रिलेशन अलग चीज़ें हैं, घर का अलग है। ओके, तो दोबारा से सम अप कर रहा हूँ मैं, बिजनेस में जो फ्रंट है बड़ा हो और घर में फ्रंट छोटा हो। अब आप एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एज्यूम करिए कि किसी का फ्रंट जो है प्लॉट का 20 है, 20 कुछ भी मान लीजिए फीट है, 20 फीट। अब अगर उसने वहीं पे दुकान बनानी हो, शोरूम बनाना उसी में, तो वो क्या करता है जनरली, वो क्या करेगा 16 फुट का फ्रंट दुकान के लिए ले लेगा और 4 फुट का छोड़ देगा मकान के लिए, एंट्री करने के लिए। मान लो पीछे उसका मकान है या ऊपर मकान है, नीचे दुकान है, तो वहाँ जो जीना देगा वो स्टेयरकेस देगा या अंदर जाने का रास्ता देगा, 4 फुट का दे देता है और 16 फुट दुकान को। तो अब समझ गए आप, ये 16 फुट 20 में से 16 ये हुआ शेर मुखा और जो 4 है वो हुआ गौ मुखा। तो घर में वैसे भी गाय क्या है, गाय सोबर प्राणी है, बहुत सौम्य है। लोग कहते ना हम तो जी गाय हैं, हमारी बेटी तो गाय है, मतलब घर में शांति से रहना है, सौहार्द से रहना है, प्रेम से रहना है, सात्विकता से रहना है। तो घर में वो कर्म होते हैं इसलिए गौमुखा। और शेर क्या है, शेर है पब्लिक, मतलब बिजनेस में आपको एक्टिव होना है, थोड़ा एग्रेसिव होना है, थोड़ा अलर्ट रहना है। आपको पता ना भारत का राज चिन्ह क्या है, 4 शेर। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ था उस पर उसका जो कैपिटल, उसमें 4 शेर की मूर्ति, वो हमारा राज चिन्ह है। मतलब शेर क्या है, वीरता का प्रतीक है, एग्रेसिवनेस का, आक्रामकता का, यश शौर्य का। तो बिजनेस आपका ज़्यादा फ्रंट हो, ओके, और घर में फ्रंट हो कम। इसके बारे में मैं डिटेल में और बाद में चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, हम आपको इसको कोरिलेट करेंगे एस्ट्रोलॉजी से भी। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, आपने इतने प्रेम से मेरी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी स्वस्थ रहें।